हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू चैनल गाइस। दोबारा से आ चुके हैं न्यू वीडियो लेके। तो गाइस आज मेरे पास हैं बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों के लिए, तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं गाइस अपने अपडेट्स की ओर। तो गाइस अपना पहला अपडेट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो कि है कि गाइस हमको मिलने वाला है फ्री में रिडीम कोड। ठीक है गाइस, और जो गाइस अभी हमको मिलने ही वाला है, मतलब कि आप लगा लो अपनी 14 तारीख को मिल सकता है 14। ठीक है, और याद रखना भाई, लिख के रख लो कि 14 को अपना रिडीम कोड मिलने वाला, क्योंकि ये 90% तो श्योर है ही। और भाई 10% मैं बता दूंगा अगली वीडियो में अपनी। ठीक है, और बाकी गाइस रिडीम कोड आए हुए भी बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 90% तो श्योर है ही है, क्योंकि रिडीम कोड अपना लास्ट आया था सेप्टेम्बर मेरे ख्याल से, जब FFIC चल रहा था उसी टाइम पर आया था लास्ट रिडीम कोड। ठीक है, बाकी गाइस जो अपना तो मैं अपडेट्स बता देता हूँ। ठीक है, अपडेट नंबर 1 क्या अपडेट है गाइस, आइटम की दोबारा से समरी आ चुकी है। पहले की जो मैंने आइटम का पूरा आपको कॉलाज दिखाया था वो बिल्कुल मतलब कि सही था। ठीक है, और बाकी जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है भाई, मैं बिल्कुल सही कंटेंट बताता हूँ। तो अभी का जो लेटेस्ट कॉलाज आया है वो आप देख सकते हैं, इसमें हमको पैराशूट भी मिलेगा, कॉल बैक पे भी एक जो अपना कस्टम आता है क्राफ्ट लैंड का वो मिलेगा। ठीक है ना, और बहुत सारा सामान जैसे कि पैराशूट, और भाई अपने को एक स्काफ भी फ्री में देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ओपी है, मतलब कि ब्लैक और गोल्डन। भाई अगर ये मिल गया ना तो मज़ा आएगा, बट इसके चांसेस नहीं लग रहे हैं मेरे को फ्री के, बट यार कुछ पता नहीं है गाइस। ओके, और नेक्स्ट अपडेट जो अपना निकल के आया क्या हो सकता है। ठीक है, चलो आप गैस करो, मैं आपको देता हूँ मुश्किल से 20 मिनट। ठीक है, चलो यार 20 सेकंड आपके ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं बताता हूँ क्या अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट अपना आ रहा है M1887 का इनक्यूबेटर। हाँ की हाँ भाई, ठीक है, जो चीज़ आज तक फ्री फायर में हुई नहीं है वो अब होने वाली है। क्या नहीं हुई भाई, अपना आज तक फ्री फायर में M1887 का इनक्यूबेटर नहीं आया। M10 का आ चुका है, स्कार का, A2Z गन का आ चुका है, बट गाइज M1887 का आज तक अपडेट मैंने तो नहीं देखा, और तुमने भी नहीं देखा होगा भाई, क्या ही बोले। तो गाइज आप जो इनक्यूबेटर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हो। ओके गाइज, इसमें जो टॉप लेवल की रहने वाली है वो रहने वाली है रेड कलर की, और गाइज रेड कलर की भी जो सारी अपनी क्या बोलते हैं एबिलिटी हैं वो भी बढ़िया हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइज सबसे मतलब कि आप लोगों के लिए मनी सेविंग और प्लस में बेनिफिशियल कौन सी रहने वाली है। ठीक है गाइज, तो मेरे को लगा दो हिसाब। ठीक है गाइज, तो एक मिनट, हाँ तो गाइज अब देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट की जो रेड वाली है उसमें है डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज और माइनस में है मूवमेंट स्पीड, जो कि ओके। ठीक है, येलो वाली में है डबल एक्यूरेसी, सिंगल रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड माइनस। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी अच्छी है। ओके, और ब्लू वाली में है डबल रेंज, सिंगल डैमेज और एक्यूरेसी माइनस। ठीक है, और लास्ट वाली में है रीलोड स्पीड डबल प्लस और आर्मर पेनिट्रेशन 1+ और एक्यूरेसी माइनस। ठीक है गाइस, तो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को भाई, स्टार्टिंग वाली ना रेड वाली तो मत ही लेना। क्यों? क्योंकि भाई सवाल उठता है क्यों, तो गाइस वो इसलिए क्योंकि जो रेड वाले ना उसमें डबल रेट ऑफ फायर है पर रीलोड स्पीड सिंगल भी प्लस नहीं है। अगर डबल रेट ऑफ फायर होएगा और भाई रीलोड स्पीड होएगी नहीं तो आपकी गोली जल्दी से निकल जाएगी। ठीक है, और मान लो आपके सामने दो बंदे आते हैं, आपने एक को तो जल्दी से दो गोली निकलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप लोग, ये बताओ मेरे को। ठीक है, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। और बाकी तो इसमें जो डैमेज प्लस है वो ठीक ठाक है, बट यार मेरे हिसाब से नहीं है, और जिस पे ज़्यादा फालतू पैसा आ रहा भाई लगा लो। ठीक है, और नेक्स्ट आती है अपनी ब्लू वाली, तो ब्लू वाली मेरे ख्याल से सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे रहने वाली है, पर मेरे ख्याल से ज़्यादा सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे होने के लिए इसमें है डबल रेंज, सिंगल डैमेज और एक्यूरेसी माइनस, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि रेंज M1887 की घटा दी गई है, बट यार डैमेज भी इसमें सही है, बट यार इसमें एक्यूरेसी माइनस है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, तो इसको भी मैं प्रेफर नहीं करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। थर्ड पे आ जाती है, थर्ड या फिर सेकंड भी हो सकती है। ठीक है, जो कि है डबल एक्यूरेसी, सिंगल रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड माइनस। ठीक है गाइस, ये मैं कहूँगा कि भाई जो भी रेड निकालने की कोशिश में है ना, जिस पे ज़्यादा डायमंड है रेड निकालने वाला है, तो वो ना रेड को छोड़ के अपनी ये वाली निकाले, क्योंकि ये बहुत ही ओपी लेवल की है डबल एक्यूरेसी। ठीक है गाइस, मतलब कि
आपका रीलोड कमी हो जाएगा और भाई एक्यूरेसी फुल एक्यूरेसी के साथ बंदे पे लगेगी, ठीक है। और सिंगल रेट ऑफ फायर भी है, अगर आपको रेट ऑफ फायर चाहिए, आप बोल रहे हो कि मेरे को रेड वाली में रेट ऑफ फायर मिल रहा है, तो इसमें भी आप लोगों को रेट ऑफ फायर मिल रहा है, ठीक है। और मूवमेंट स्पीड माइनस है, तो भाई कोई गोली लेके तो भगदा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और जिसको भगना है भग लो भाई। लास्ट में आ जाती है अपनी वाइट वाली, वाइट बोल लो इसको, सिल्वर बोल लो, ठीक है। इसमें है डबल रीलोड स्पीड प्लस डबल, ठीक है, जो कि भाई बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है। और फिर आता है आर्मर पेनिट्रेशन सिंगल प्लस और एक्यूरेसी माइनस। तो गाइस यार मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ग्रीन वाली है ना, ये उसको टक्कर दे सकती है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें डबल रीलोड स्पीड है। और ग्रीन वाली जिसने चला के देखी है ना, 14 दिन के लिए वो फ्री में भी मिली थी, तो सब ने चला के देखी होगी, तो भाई ग्रीन वाली से तो ये बहुत ही सही है, मतलब कि इसमें आप लोगों को सस्ती में है, ठीक है ना। ये सबसे लास्ट में रहेगी, ये तो मेरे को फिक्स है, ठीक है, ये लास्ट में रहेगी। और भाई इसके हिसाब से इसकी एबिलिटी बहुत ही ओपी है। और बाकी आप लोगों को क्या क्या लगता है भाई, कमेंट आप लोग के लिए खुला हुआ है। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बिना तो मत जाना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।